जल समस्या और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हुई जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर काम ना करने के आरोप लगाए। बैठक में हंगामा होता देख जिला पंचायत सीईओ ने मीडिया को बैठक कक्ष से बाहर कर दिया। इस दौरान मीडिया के लोगों से पंचायत के अधिकारियों ने बदसलूकी भी की। देखिए एक खास खबर। जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक लंबे समय से टल रही थी। इसका प्रमुख कारण जिला पंचायत की सीईओ के पास समय ना होना। वहीं जनप्रतिनिधियों के बार बार पत्र लिखने पर आखिरकार बुधवार को बैठक हुई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी पहुंचे। बैठक में शुरुआत से ही योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने पर जोर दिया गया। वहीं जल जीवन मिशन को लेकर हो रहे कामों पर चर्चा भी की गई। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम हुआ है, साथ ही जल पुनर्भरण के क्षेत्र में भी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। देखिए, साधारण सभा की बैठक में आज प्रमुख जो बिंदु थे वो पानी का बिंदु था और सड़क का, ये मूलभूत थी। पानी के लिए हमने बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हर घर में नल हो और नल में जल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम इंदौर तेजी से काम चल रहा है और संभवतः 10 लाख से ऊपर वाले शहरों में इंदौर आगे है। लेकिन फिर भी चूंकि जब तक हमारे ग्रामीण के लोग संतुष्ट नहीं होंगे कि हर घर में नल तो लग गया है पर कहीं कि नल में जल नहीं आ रहा है, तो गर्मी के दिनों में ये अच्छा समय है कि हम इसकी परीक्षण करा दें कि जो हमारे नल लगे हैं घर घर में उसमें जल आना चाहिए। तो अधिकारियों ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर शिकायत आ रही है कि पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, आज अध्यक्ष जी से कहा है कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, एक उनके साथ और सभी अधिकारियों की पूरी टीम के साथ एक एक क्षेत्र की समीक्षा करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने नल लगा दिया और पूर्ति हो गई, हमारा मकसद ये है कि हर नल में जल हो। तो उसको लेके मुझे लगता है गर्मी में ही हम एक वृहद बैठक करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि सब जगह पानी पहुँचे। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि जो PWD के काम है उसमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि बारिश है, बारिश में काम बंद रहते हैं। तो हमको बारिश के पहले अगर सीमेंट के काम चल रहे तो वो पूरे किए जाएँ, अगर डामर के काम है तो वो पूरे किए हैं, समय सीमा में पूरे किए हैं। क्योंकि बारिश के 2-3 महीनों में ये काम प्रभावित होते हैं और लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके तकलीफ भी आती है सड़कों को लेकर। तो इन विषयों को लेकर आज चर्चा थी और मुझे लगता है कि अधिकारी उस पर काम करेंगे। वहीं जिला पंचायत सदस्य कन्हैया लाल ठाकुर ने भी दबी जुबान से अधिकारियों और ठेकेदारों पर काम नहीं करने का आरोप भी लगाया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत भी कराया। ये आज स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और जिसमें PWD भी आ जाता है और जल समस्या, पिछले एक महीने पहले मीटिंग रखी थी वो स्थगित कर दी गई थी, सब स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस बार वापस रखी है अभी मीटिंग। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हमको कि हमारा काम होगा, संतुष्ट लग रहे हैं जिस प्रकार से हमारे ई साहब का और उनके SDO वगैरह का व्यवहार लगा कि काम हमारा होगा, कोई समस्या नहीं आप लोगों नहीं। समस्या तो हर गांव की समस्या, अनेक समस्या है, हर गांव में पानी की इतनी समस्या है कि आप कहीं ट्यूबवेल बोल गए हैं, कहीं मोटर जल गई है तो मोटर डाल रहे हैं, पानी सूख गया है। और ये कुछ जो ठेकेदार लोगों ने जो पाइपलाइन नया जो पानी का जो योजना है भारत सरकार की, वो सुचारू रूप से ठेकेदार लोग बराबर उसको कर नहीं पा रहे। मतलब पर है। अभी मऊ की 38 या 32 अभी बताई उनने की योजना में से जो है 4 पे कार्यरत है, बाकी पूर्ण हो गई है। अब वो धरातल पर देखेंगे हुई कि नहीं हुई, अभी पूरा अपने पास रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर काम अब ठीक हो रहा है। ये पानी वाला काम, अब पानी नहीं है उसमें SDO री साहब और जनप्रतिनिधि भी क्या करें, वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है। कुल मिलाकर जिला पंचायत की ये महत्वपूर्ण बैठक जिला पंचायत CEO और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।